एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में अफेयर हो जाता है, पर ट्विस्ट तब आता है जब एक टीचर एक बहुत ही डेडली राज छुपा रही थी। ये राज सब कुछ बर्बाद कर सकता है। ये राज क्या था, ये हम आज के हमारी मूवी ब्लैक आइलैंड 2021 की एक जर्मन थ्रिलर मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक ओल्ड लेडी को बीच पर देखते हैं। दूर से उस पर कोई नजर रख रहा था और अपना डॉग को उस पर छोड़ देता है। उस ओल्ड लेडी ने भागने की बहुत कोशिश की पर वो डॉग उसे मार डालता है। यह हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जोनस, उसकी दादी थी। जोनस के ग्रैंडफादर फ्रेडरिक अब अकेले पड़ गए थे। जोनस के फादर का अपने फादर से ज्यादा कुछ जमता नहीं था। जोनस की मदर ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि तुम्हें अपने फादर को माफ कर देना चाहिए। इसी के बारे में घर जाते वक्त जब वो बात कर रहे थे तभी अचानक से आगे से गाड़ी आती है। ये गाड़ी उनके ऊपर ही आ रही थी तो जोनस के फादर ने अपने आप को बचाने की कोशिश की पर इसमें वो फेल हो गए। एक्सीडेंट होकर उनकी डेथ हो जाती है। अब जोनस के पास उसका क्लोज कोई भी नहीं था। उसके फादर उसके ग्रैंडफादर से बात नहीं करते थे तो इस वजह से उनके पास भी वो नहीं रह सकता। उसे आइलैंड छोड़कर अपनी एंड के पास रहने जाने पड़ने वाला था। जोनस को देखकर उसके फ्रेंड्स को भी बुरा लगता है। जोनस की एक फ्रेंड थी जिसका नाम था नीना। नीना जोनस को बहुत लाइक करती थी। उसके पास जाकर उसे वो सहारा देती है। नेक्स्ट मोमेंट पर फ्रेडरिक जोनस से मिलने के लिए आए। वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो रह सकते हो। तुम्हारे फादर के साथ मैं अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाया पर मैं तुम्हारे साथ ट्राई करना चाहता हूँ। जोनस को सुनकर बहुत अच्छा लगता है। अब वो अपने फ्रेंड से दूर नहीं जाएगा। अब इसके बाद एक समर बीत गया था। जोनस अब अच्छा फील कर रहा था। स्कूल खुल गए और सब फ्रेंड्स मिलकर एक साथ स्कूल में जाते हैं। स्कूल में इनकी एक नई टीचर आई जिसका नाम था हेलेना। हेलेना कहती कि मेरे साथ बाहर चलो। उन्हें वो बीच पर लेकर जाती है। उसने कहा कि तुम्हारे लैंग्वेज टीचर का एक्सीडेंट हो गया है, इसी वजह से कुछ दिनों के लिए मैं सिखाने के लिए आई हुई हूँ। लाइफ में कब क्या हो जाए इसके बारे में हम प्लान नहीं कर सकते, तो लाइफ जैसी आती है वैसे हमें इम्प्रेस करना चाहिए। आज वो पूरी क्लास बीच पर ही लेती है। इनकी टीचर का इस तरीके से एक्सीडेंट की वजह से गायब हो जाना नीना और उसकी फ्रेंड जूल को बहुत ही अजीब लगा था। वो ज्यादा हेलेना को लाइक नहीं करते। ब्रेक में हेलेना जोनस और उसके फ्रेंड के पास आई। वो कहती है कि मैं जरा शिफ्टिंग कर रही हूँ, उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सब इसके लिए मान जाते हैं। हम देख सकते हैं कि जोनस और नीना एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। काम करते वक्त जोनस और उसका फ्रेंड ये हेलेना को चेकआउट करता है। नीना नीचे काम कर रही थी और कुछ चीजों के लिए क्लोजेट चेक करती है। इसमें उसे एक बैग मिला पर वो देख पाती इससे पहले हेलेना उसे रोक लेती है। फिर से उसने उसे काम पर लगा दिया। काम करते करते नीना के पैर पर चोट आ गई थी तो ये सब उसे हेल्प करते हैं। इवनिंग में जोनस उसके पास आता है। एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जो बैग हेलेना छुपाने की कोशिश कर रही थी हम उसमें देखते हैं कि जोनस के बहुत सारे फोटोज थे। वो यहाँ आने से पहले ही जोनस से अफसेस थी। ये सब सामान अब किसी को मिल ना पाए इसलिए उसे जला देती है। अगली सुबह जोनस जब मॉर्निंग रन कर रहा था तो हेलेना भी उसके पास आ गई। उसे नीना के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या तुम दोनों कपल हो। जोनस कहता है कि अब तक हम दोनों को पता नहीं है, अब फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में हम बता नहीं सकते। हेलेना जोनस के साथ फ्लर्ट कर रही थी तो उसे भी ये बात अच्छी लगती है। आज हेलेना ने सारी क्लास को एक असाइनमेंट दिया। एक बहुत ही अच्छा राइटर था, उसी की राइटिंग स्टाइल इन्हें कॉपी करनी थी। एक अच्छे सी पोएम लिख कर लानी थी। जोनस ने अपनी पोएम कंप्लीट कर ली पर नीना को कंप्लीट करने में ज़रा तकलीफ हो रही थी तो उसके पास आ जाती है। उसे चलने में हेल्प करता है और कहता है कि तुम बूढ़ी औरत की तरह चल रहे हो। ये दोनों इस पर बहुत हंसते हैं। अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम लिखते हैं। ग्रैंडफादर ने इन्हें देखा और नीना से कहते हैं अगर तुम चाहो तो डिनर के लिए रुक सकती हो। नीना डिनर के वक्त कहती है कि जोनस भी अपने फादर की तरह एक बहुत ही अच्छा राइटर है। फ्रेडरिक ने कहा कि पहले मैं राइट करता था पर उसमें कोई भी करियर नहीं, इस वजह से मैं टीचर बन गया। वो जोनस की पोएम देखते हैं और कहते हैं कि ठीक ठाक ही है, उन्हें राइटिंग वैसे भी कभी भी पसंद नहीं आती। जोनस का इन सब बातों से कॉन्फिडेंस चला गया था। अगले दिन हेलेना ने जोनस को क्लास के बाद रुकने के लिए कहा। वो कहती है कि नीना की पोएम तुमने लिखी है। जोनस इसके लिए उसे सॉरी कहता है। हेलेना ने कहा कि तुम मुझे नाम से पुकार सकते हो क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। हेलेना कहती है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो पर आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। अगर तुमने कुछ और लिखा है तो मुझे दिखाने के लिए घर पर आ सकते हो। रात में जोनस हेलेना के पास आ गया पर बाहरी बुक रख कर वहाँ से वो जा रहा था तो हेलेना उसे स्टॉप कर लेती है। उसने कहा कि मैं शावर लेकर आती हूँ, तब तक तुम मेरा वेट करना। जोनस उसे देख पाए इसी तरीके से वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी। हेलेना उसकी राइटिंग पढ़ती है, उसे वो बहुत ही अच्छी लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जोनस उसके आंसू पोंछता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वो इंटीमेट हो गए थे। अगले दिन स्कूल में दोनों एक साथ ही आ रहे थे। नीना हमेशा जोनस का स्कूल जाते हुए तो उसका वेट करती थी।
उसने इन दोनों को साथ में देख लिया और वो खुद छुप जाती है। उसे थोड़ा सा शक होने लग गया था। नीना की फ्रेंड जूल बहुत ही स्मार्ट थी। उसने नोटिस किया था कि हेलेना और जोनस इन दोनों में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। आज उन्हें नोटिस करती है तो जिस तरीके से हेलेना जोनस को हाथ लगाती है तो इससे वो बात वो कन्फर्म कर सकती थी। नीना को इस बात से बहुत ही बुरा लगा। क्लास के बाद उसने हेलेना से बात की। उसने कहा कि मैंने मेरी पोएम नहीं लिखी थी, जोनस ने मुझे हेल्प की थी। हेलेना कहती कि क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो। नीना ने झूठ कहा कि हम दोनों बहुत दिनों से एक साथ है। हेलेना कहती है कि तुम भी बहुत ही अच्छा राइट करते हो, तो नेक्स्ट टाइम खुद राइट करना। घर जाते हुए नीना ने जोनस से कहा कि मैंने हेलेना को बता दिया कि मेरी पोएम तुमने ही लिखी थी। जोनस कहता है कि उसे पता है, उसने मुझसे इसके बारे में बात की थी। ये बात नीना को वियर्ड लगी क्योंकि हेलेना प्रिटेंड कर रही थी कि इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। आज नीना और जोनस मिलकर जोनस के पेरेंट्स के घर पर जाते हैं। वो इसे फिर से रहने के लिए रेडी कर रहा था। नीना कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर बहुत ही रूड है। जोनस ने कहा कि कभी भी मेरे फादर के टैलेंट को देख नहीं पाए, इसी वजह से वो कभी भी बात नहीं करते थे। सब कुछ सामान देखते हुए जोनस को अपने बचपन की गाड़ी दिखती है। उसे अपनी मदर की बहुत याद आती है। वो रोने लग गया था तो नीना ने उसे सहारा दिया और ये दोनों किस कर लेते हैं। वो कहते कि मुझे पता है तुम लोगों को खोने से डरते हो, पर मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अभी दोनों कपल बन चुके थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनके स्कूल की 50th एनिवर्सरी थी। फ्रेडरिक उन्हीं के स्कूल में पढ़ाते थे तो उन्हें लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। जोनस और उसकी सब फ्रेंड्स मिलकर हैंग आउट कर रहे थे। वो कुछ वाइन्स की बॉटल्स देखते हैं और उसे गायब करने के लिए पहुंच गए। स्पीच देते हुए फ्रेडरिक हेलेना को देखता है और अचानक से धक्का आकर वो नीचे गिर गए। ये सारी बात नीना ने नोटिस की थी। फ्रेडरिक को ये सब घर पर लेकर जाते हैं और रात में नीना ने जोनस से इसके बारे में बात की। जोनस इस बात को इग्नोर कर देता है। नीना ने कहा कि हेलेना ने अपने हेयर्स भी कट कर लिए थे, जैसे वो किसी और की तरह दिखना चाहती थी। जोनस उसे पागल समझता है तो इस बात से इन दोनों में झगड़ा हो गया और नीना रोते रोते घर पर चली गई। बीच रात में चुपके से हेलेना जोनस के पास पहुंच जाती है और ये दोनों इंटीमेट हो गए। सुबह वो लेट उठे तो डर कर स्लोली स्लोली घर से बाहर निकल जाती है। उसे घर से बाहर निकलता हुआ नीना ने देख लिया था। वो जोनस के लिए कुछ लेकर आई थी, ये डोर पर ही रख देती है क्योंकि उससे गुस्सा हो गई थी कल रात जो भी हुआ था। इसके बाद फ्रेडरिक एक ओल्ड लेटर खोल कर देखते हैं। स्कूल में जूल और नीना जब रनिंग कर रहे थे तो जूल ने कहा कि हेलेना की वजह से फ्रेडरिक को प्रॉब्लम आया था। ये बात बहुत ही वियर्ड थी। नीना इस बात को पहले डाउट कर रही थी, पर जूल को भी यही लगा था तो इस वजह से इसे परस्यू करने के लिए रेडी हो जाती है। कल के बाद फ्रेडरिक जरा डर गए थे। वो जोनस को स्कूल जाने से मना करते हैं। उन्होंने हेलेना के बारे में जोनस से पूछा। जोनस पूछता है कि क्या आप उन्हें जानते हो। फ्रेडरिक कहता है कि उस तरीके से दिखने वाली एक टीचर को मैं जानता था। जोनस उनकी बात नहीं मानता और स्कूल में आ गया। नीना लाइब्रेरी में जाकर ओल्ड ईयर बुक की इंक्वायरी करती है। इंक्वायरी करते हुए हेलेना ने उसे देख लिया। नीना ने नोटिस किया कि हेलेना की तरह दिखने वाली एक लेडी उनके स्कूल में टीचर थी। जोनस स्कूल में आने के बाद जूल से पूछता है कि नीना कहाँ है। जूल ने कहा कि वो लाइब्रेरी में है। नीना को जब यह बात पता चली तो हेलेना उसके पास आ गई थी। नीना पूछती कि वो टीचर और तुम्हारे बीच में कनेक्शन क्या है। हेलेना इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और वहीं पर उसका गला घोटने लग गई। उसका मुंह बंद कर उसे मार डाल दिया। जोनस नीना को ढूंढते हुए लाइब्रेरी में ही आ रहा था। हेलेना उसे देखकर बाहर आ जाती है। वो पूछती कि तुम पूरी सुबह कहाँ थे। जोनस ने कहा कि मैं नीना को ढूंढ रहा हूँ। हेलेना कहती कि मैं अभी अभी लाइब्रेरी से आई, वो वहां पर नहीं है। हेलेना ने जो भी किया इसके बारे में उसे बहुत बुरा लगता है। वो नीना को लाइब्रेरी के बॉक्सेस के पीछे छुपा देती है। इसके बाद वो स्कूल के सप्लाई से एक ब्लैंकेट और कुछ रोप्स लेकर आती है। सबसे छुपते छुपाते उसने नीना की बॉडी को कवर अप कर दिया और पीछे के डोर से अपनी गाड़ी में वो रख देती है। नीना की बाइसिकल अभी यही थी तो उसे भी अपनी गाड़ी में वो रख देती है। जोनस हर जगह पर नीना को ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे कहीं भी नहीं मिलती। उसने आकर अपने फ्रेंड से बात की तो जूल्स कहती कि वो लाइब्रेरी में थी। शाम में हेलेना डेड बॉडी लेकर सी के पास आई। उसने बाइसिकल और बॉडी वहीं रख दी, यानी सबको लगे कि नीना की डेथ स्विमिंग करते वक्त हो गई। शाम में फ्रेडरिक हेलेना के घर के बाहर पहुंच गए थे। ये दोनों एक दूसरे को खिड़की से देखते हैं। वो बाहर से लौट जाते हैं। रात में जोनस हेलेना से बात करने के लिए उसे अपने घर पर बुलाता है। हेलेना घर पर पहले कुछ गोलियों की पाउडर बनाती है जिससे आदमी मर सकता है। ये वो अपने साथ लेकर आई। जोनस हेलेना से कहता है कि नीना गायब हो गई है। हेलेना कहती है कि मैंने उससे लाइब्रेरी में बात की थी, उसे हम दोनों के बारे में पता चल गया था। उसने घर से बाहर आते हुए मुझे देख लिया था। जोनस कहता है कि तुम्हें इस तरीके से रात में मेरे घर पर नहीं आना चाहिए था। हेलेना ने कहा कि तब तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगा था। उसे रिलैक्स करने के लिए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वाइन लेकर आती हूँ। इस वाइन में उसने अपनी गोलियों की पाउडर मिला दी थी।
जोनस कहता है कि शायद हमें एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वो बहुत ही कंफ्यूज था, क्या सही है क्या गलत इस बारे में उसे समझ में नहीं आ रहा था। हेलेना कहती है कि मुझे पता है, जाओ और अपनी राइटिंग पर ध्यान दो। जोनस कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर को नहीं लगता कि मैं एक अच्छा राइटर हूँ। हेलेना कहती है कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है, तुम एक बहुत ही अमेजिंग राइटर हो, तुम्हारी बुक बहुत ही फेमस हो जाएगी, अब हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। नीना का भी गुस्सा शांत हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे हो गए और आगे की लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। ये कहकर वो जाने लगे पर जोनस उसे रोक लेता है। ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गए। जो वाइन हेलेना ने जोनस को दी थी ये उसने बहुत ही कम पी थी, तो इसका बहुत ही थोड़ा असर उस पर पड़ता है। आज रात वो फेडरिक के पास बहुत ही लेट घर पर आया। फेडरिक कहता है कि तुम कहाँ थे। फेडरिक को पता चल गया था कि जोनस हेलेना के साथ था। जोनस ने कहा कि वो मुझ पर बिलीव कर दिया, वो आपकी तरह नहीं है। सुबह फेडरिक जोनस को उठाकर कहते हैं कि नीना की डेड बॉडी मिली है। सब लोग जल्दी से वहां पर पहुंच गए। फेडरिक को शॉक लगता है और वो भी नीचे गिर गए। हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया जाता है और अब वो स्टेबल थे। जोनस और उसका फ्रेंड नीना को लेकर बात कर रहे थे। जोनस ने कहा कि नीना की स्विमिंग बहुत ही अच्छी थी, इस तरीके से उसकी डेथ नहीं हो सकती। नीना की फ्रेंड जूल यहाँ पर आती है और उसे पूछती है कि मरने से पहले तुमने नीना से क्या बात की थी। जूल कहती है कि हेलेना के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए नीना लाइब्रेरी में गई थी। ये सब मिलकर फिर इसके बारे में रिसर्च करने लग जाते हैं। इन्होंने एक ईयरबुक देखा, उसमें से हेलेना ने उसकी फोटो जिसमें थी इसका पन्ना फाड़ लिया था। वो डायरेक्टली फेडरिक के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। जोनस और उसके फ्रेंड कुछ रिसर्च करते हैं, उससे उन्हें पता चला कि हेलेना की तरह दिखने वाली एक टीचर की डेथ हो गई थी, उसने भी समुंदर के पास सुसाइड की थी। हेलेना ने फेडरिक से बात की, कहा कि मेरी मदर तुमसे बहुत ही प्यार करती थी। इसका मतलब है जिसने सुसाइड की थी वो हेलेना की मदर थी। हेलेना ने कहा कि मेरे मदर को लगता था कि तुम अपनी फैमिली हमारे लिए छोड़ दोगे। जब तुमने उससे ब्रेकअप किया तो बहुत ही ज़्यादा टूट गई थी। वो मुझे समुंदर के पास लेकर गई, मेरे सामने उसने सुसाइड कर ली थी। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया था और इसी वजह से तुम्हारी पूरी फैमिली को मारने की मैंने ठान ली। मूवी के फर्स्ट में हमने जोनस की ग्रैंड मदर की डेथ देखी थी, उसके पीछे डॉग को लगाने वाली हेलेना ही थी। जोनस के पेरेंट्स को भी हेलेना ने मारा था। सब कुछ पता चलने के बाद जोनस घर पर आया। हेलेना उसके पास पहुंच जाती है, कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर अब घर पर रह सकते हैं, उन्हें घर पर लेकर आई थी। जोनस उसे बाहर ले जाकर पूछता है कि ये सब चल क्या रहा है, तुम्हारे मदर और मेरे ग्रैंडफादर के बीच में कनेक्शन क्या है। हेलेना कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, हम पहले कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी बनाने के लिए अंदर गए। फेडरिक के बेड को खिड़की में लगा दिया जिससे उन्हें देख पाए। कॉफ़ी में उसने गोलियाँ मिला दी थी। जोनस कॉफ़ी पीता है और हेलेना ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। ये सब सुनकर जोनस को शौक लगा, वो अपना होश खोने लग गया था। इनके गार्डन में एक पॉन्ड था जिसे घसीटते हुए लेकर जाकर जोनस को डुबा रही थी। जोनस ऊपर आने की बहुत कोशिश करता है पर हेलेना ने उसे डुबा दिया। वो पूरी तरीके से नीचे चला जाता है और फिर से ऊपर आ गया। एक डंडा लेकर उसने जोर से हेलेना को मारा। वो भागते भागते घर में आ गया। फेडरिक जोनस को हेल्प करने की कोशिश करते हैं पर वो अब कुछ भी बोल नहीं पाते, वो पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो गए थे। वो अपने पानी का जग नीचे गिरा देते हैं। घर में आने के बाद हेलेना डायरेक्टली जोनस पर अटैक करती है, गला दबाकर उसे मार डाल रही थी। तभी जोनस ने जग से एक ग्लास लिया और उसके सीने में डाल दिया। इसी के साथ हेलेना की डेथ हो गई। ग्रैंडफादर के पास एक लेटर था, इस लेटर में हेलेना की मदर ने उससे कितना प्यार करती थी इसके बारे में लिखा हुआ था। फेडरिक की गलती की वजह से उसकी पूरी जनरेशन को भुगतना पड़ा। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।